ओहो, बहुत ज्यादा धूप। अभी 11:30 बजे हुए हैं और हम जा रहे अपने घर। दिवाली की छुट्टी खत्म हो चुकी है। ये इस्लामपुर टू कोल्हापुर का रास्ता है, स्ट्रेट हाईवे सातारा कराड। और कल का व्लॉग आपने देखा है क्या? कल हम गए थे राम मंदिर, कितनी ब्यूटीफुल जगह थी, और घूम के आ गए हम सब। नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। और उसके बाद मैंने ओहो स्प्लेंडर 80 के स्पीड से, और मेरे साथ बैठी है उत्तू पीछे। उत्तू क्या चल रहा है? पीछे बैठ के आराम कर रही हो क्या? सो मत जाना बस, ये देखो कितनी सारी गाड़ियां सामने हैं। और कल काफी मजा आ गया क्योंकि वन डे ट्रिप कजिन्स के साथ, मुझे कजिन्स के साथ काफी मजा आता है। और क्या व्यू था, क्या नदी थी यार, वो इतनी बड़ी नदी, अमेजिंग। ओहो, NH4 पे यहाँ पे बाइक भगाना काफी अच्छा लगता है। अभी 70 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ और आराम से, क्योंकि कल 80-90 की स्पीड से आ रहे थे। आधे घंटे में हमने आई थिंक 45 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हाईवे से। और मेरे भाई टाइगर अभी है घर पे। टाइगर मतलब हमारे कैट का नाम टाइगर है, तो वो अकेला है, उसको देखने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उसके लिए मैं और उत्तू जा रहे हैं। मम्मी पापा फिर बाइक भगाने में मज़ा तो काफ़ी आता है, बट पेट्रोल का खर्चा बहुत होता है। ये जैसे 80-90 के ऊपर हम बाइक चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसका जो एवरेज है वो कम आता है। अगर आप 40-50 की स्पीड से आराम से जाओगे, 60 की स्पीड से भी जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 70-80-90 अगर बार बार करोगे, खींचोगे, तो फिर एवरेज माइलेज आपको कम देगी। अगर बेंगलोर यहाँ से 635, अरे बाप रे, मुझे बेंगलोर भी जाना है लेकिन यहाँ से 635 किलोमीटर, अरे बाप रे। ये देखो कितनी सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई है। और अगर पिछला व्लॉग देखा है आपने तो उसमें एक भी गाड़ी नहीं थी आते टाइम। अभी जाते टाइम देखो मॉर्निंग के टाइम पे पैसा ही पैसा भाई, टोल प्लाजा वाले ना बहुत लूटते। ये देखो ब्रिज पे आ गए, और ये बहुत बड़ा ब्रिज है NH4 पे। गाड़ियाँ भगाओ, लेकिन अभी क्या हुआ है, जट प्रभजोत पाजी ना, इनका एक्सीडेंट हुआ है। वो नेपाल की राइड पे जा रहे थे। मैंने उनका मतलब मैं उनके व्लॉग्स काफ़ी देखता हूँ, और देखो इस गाड़ी में बच्चे देख रहे हंस रहे। तो जट प्रभजोत पाजी का क्या हुआ कि वो नेपाल की राइड के लिए गए थे, और उन्होंने 4 दिन पहले उन्होंने निंजा H2 बाइक खरीदी थी, और उसको लेके उनकी फर्स्ट राइड नेपाल की वो जा रहे थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया। पता, बाइक इतनी ज़्यादा मत भगाओ कि बाइक आपको कंट्रोल ना करने आए। अगर यहाँ पे सीधा रोड है आप चला सकते हो, बट ऐसे गांव में, ऐसे पहाड़ों पे अगर बाइक भगाओगे, निंजा H2 तो बहुत तगड़ी बाइक है लेकिन भगाना सही नहीं है। तो आप आराम से चला सकते हो, बट क्या करें, बहुत मुझे तो सुन के मैं शॉक हो गया, बहुत बुरा लगा मुझे। बट आई होप कि वो रिकवर जल्दी हो जाएंगे। उनके दोनों पैर ऐसे बोले कि मैंने न्यूज़ पढ़ी, ओ भाई, उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं। तो हम प्रे करते हैं कि पाजी जल्दी रिकवर होके घर वापस आ जाए, और हमें अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे यूट्यूबर है और बहुत सारे राइडर्स उनको फॉलो करते हैं। वाहेगुरु उनको जल्दी ठीक कर दे। और मैंने कल बुलेट भी चलाई, ये देखो बुलेट जा रही है। और उत्तू को मैंने स्कूटी भी सिखाई दिवाली में, उसको पहले 3-4 साल पहले मैंने सिखाई थी, उसको थोड़ी बहुत आती है, बट वो पूरी भूल चुकी है। अभी वो बाइक चलाना सीख रही है, तो जल्दी उत्तू की राइड भी हमें देखने को मिल जाएगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा व्लॉग। स्कूटी चाहिए देखने को, पीछे से बोल रही कि मुझे स्कूटी चाहिए, अरे वाह
स्कूटी चाहिए तो फिर हम दोनों कैसे अलग अलग जाएंगे क्या घर को? लॉन्ग ड्राइव के लिए तो स्कूटी नहीं आएगी, मतलब स्कूटी को भी कम मत समझो, स्कूटी हमने देखी है, हम लॉन्ग ड्राइव के लिए कॉलेज में गए थे हमारे दोस्त, तो स्कूटी 250 किलोमीटर की राइड एक दिन में, ऐसे बहुत बहुत लंबी राइड स्कूटी ने की है हमारे साथ, हमारे दोस्त एक लेके आता था, मतलब हम जाते थे लेकिन उसको आना ही था तो वो आता था स्कूटी लेके। और ये देखो कंटेनर, अच्छा मैं पिछले ब्लॉग में ना भूल गया था कि इसको क्या बोलते हैं, अब मुझे याद आ गया इसको कंटेनर बोलते हैं। आप ब्लॉग्स देख रहे हो ना, आपके यहाँ पे कौन सा नियर बाय कौन सा हाईवे है उसका आप नंबर मुझे कमेंट में बताना। ये NH4 हाईवे है कोल्हापुर का, क्या आपका भी यही हाईवे या फिर दूसरा कोई NH4 NH3 NH2 जितना भी NH32 जितना भी है वो बता दो मुझे कमेंट करके। और देखो हम यहाँ पे गणपति बापा के दर्शन लेने के लिए आए थे, वहाँ पे इधर है वो, हाथ मेरा दुखने लगा, देखो ठंड से हाथ कैसा हो गया है मेरा, अभी बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है। एंड आपके यहाँ पे भी ठंडी है, ठंडी हवा आती है क्या? अभी दोपहर का भी ठंड लगी है अभी। ओ भाई साहब ये देखो ये वाइट पट्टियाँ है ना, इस पर बाइक चलाना मुझे मज़ा आता है, ऐसे वाइब्रेट होता है। ओ भाई साहब क्या चल रहा है, बीच में गाड़ी मत घुसाओ। ये देखो क्यूट स्कूटी है, बहुत छोटी है ये, पुरानी वाली। अभी मुझे हाईवे, अभी हम हाईवे के नीचे चले जाएंगे, कोल्हापुर 11 किलोमीटर अभी सामने और बेलगांव 121, बेंगलोर 623। तो हम देखो हाईवे से नीचे आ गए, अभी बीच रास्ते चले जाएंगे, यहाँ से अगर जाएंगे ना ये बहुत दूर पड़ता है, तो बीच में से हम यहाँ से निकल लेते हैं बावड़ा रोड से अंदर। ओहो हो ये ओ गॉड, बहुत जोर से स्पीड ब्रेकर लग गया। अभी ये छोटा सा हाईवे कोल्हापुर में जाने के लिए, बाइक पे इतनी ज़्यादा राइड चल रही है 4-5 दिनों से, फ्री से चला रहा हूँ। वो एम्बुलेंस क्यों रुका दी यार, एम्बुलेंस को तो जाना चाहिए चाहे उसमें हो नहीं हो, अगर ऐसे रुकेगा तो बाद में कोई इसको जाने नहीं देगा। सब कुछ मिल रहा है उनको, बहुत बड़ा मार्केट है। अरे वो तो कहाँ गए, अरे चलो चलो चलो, अरे भाई रुको ज़रा सब्र करो। ये देखो बेबी क्यूट सा सो रहा है,